Okay guys, now in this video we'll be discussing about the effect of Stannous ligature on frog's heart. So Stannous ligature matlab ki we will give one knot to one part of the frog's heart aur dusra knot ek aur ek ligature denge frog ke atria aur ventricle ke beech mein, theek hai, different ligatures denge and we will try to study the properties. Ek aur ek naya property janne milega ki what are the different properties which we can see derive kar sakte hain. Fine. सो हियर द लाइक एवरी थिंग इज़ द सेम, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें. फर्स्ट वी हैव टू टेक द नॉर्मल रिकॉर्डिंग, तो हम लोग एक बार जब नॉर्मल रिकॉर्डिंग ले लेंगे. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पे फ्रॉक्स एनाटमी वी पीपल हैव स्टडीड अर्लियर कि साइनस वेनोसिस ये था, एट्रिया ये था, वेंट्रिकल ये था, ठीक है ना. दिस वॉज द साइनस वेनोसिस, दिस इज द एट्रिया, दिस इज द वेंट्रिकल. मतलब फ्रॉक्स के हार्ट को ऐसा उल्टा लेटा है ना. तो दिस इज द एट्रिया, साइनस वेनोसिस, वेंट्रिकल. तो फर्स्ट लाइगेचर, फर्स्ट थ्रेड हम लोग ने यहाँ पे पास किया. यू कैन सी दिस, यहाँ पे पास किया ये थ्रेड और वी विल टाई हियर, ठीक है, साइनस वेनोसिस और एट्रिया के बीच में. दिस इज द साइनस वेनोसिस, दिस इज द एट्रिया, द फर्स्ट थ्रेड विल टाई हियर. फाइन, फर्स्ट लाइगेचर वहाँ पे दिया साइनस वेनोसिस और एट्रिया के बीच में. सेकेंड लाइगेचर वी विल गिव, अच्छा फर्स्ट लाइगेचर देखे दे हैव टेकन अ रीडिंग. ओके, नहीं ना, सॉरी, हियर दे हैव टेकन अ नॉर्मल रीडिंग फर्स्ट एंड नाउ दे हैव अप्लाइड अ फर्स्ट लाइगेचर हियर, ठीक है. तो साइनस वेनोसिस और एट्रिया के बीच में फर्स्ट लाइगेचर दिया, नाउ दे विल टेक द रीडिंग, ठीक है. तो इन्होंने फिर रीडिंग लिया. ओके, फर्स्ट लाइगेचर के बाद यहाँ पे फर्स्ट लाइगेचर मारा, फिर रीडिंग लिया, तो ऐसा आ रहा था. ये फर्स्ट लाइगेचर है साइनस वेनोसिस और एट्रिया के बीच में. ये नॉर्मल कार्डियोग्राम है. नॉर्मल कार्डियोग्राम में यू कैन सी आफ्टर गिविंग द फर्स्ट लाइगेचर, यू कैन सी कि इसका लाइक द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो हाइट है ये भी कम हो रहा है, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज लेस. सेकेंड थिंग इज कि जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस काफ़ी इंक्रीज हो गया, सो द हार्ट रेट हैज़ रिड्यूस्ड. सो देर इज डिक्रीज इन द हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. फाइन, वी विल बी डिस्कसिंग कि ऐसा क्यों होता है, विल बी डिस्कसिंग दिस. बट अभी फिलहाल ये चीज़ समझ में आ रहा है कि हार्ट रेट इज लेस एंड द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है, फर्स्ट लाइगेचर में. फिर एक सेकेंड लाइगेचर दिया, सेकेंड लाइगेचर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में दिया, ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में दिया था. वी पीपल हैव डिस्कस दिस, ये वाइट कैसेंटिक लाइन डिस्कस किया था. ओके, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में दिया है, ठीक है. तो सेकेंड लाइगेचर दिया, अब सेकेंड लाइगेचर देने के बाद अगेन दे हैव रिड्यूस, तो ये तो और ज़्यादा डिक्रीज हो गया. लाइक ये सेकेंड लाइगेचर का है, दिस वॉज ऑफ द फर्स्ट लाइगेचर, तो सेकेंड लाइगेचर इज मच मोर डिक्रीज. इसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो रिड्यूस, इसका जो हार्ट रेट है वो भी लाइक और ज़्यादा कम हो गया. लाइक डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज है, वंस द डिस्टेंस इज इंक्रीज मतलब द हार्ट रेट इज मच मोर डिक्रीज. तो यहाँ का अगर आप हार्ट रेट देख रहे हो एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हो सेकेंड लाइगेचर का, दिस इज मच मोर डिक्रीज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट लाइगेचर, ठीक है. नाउ विल बी स्टडिंग कि ऐसा मैकेनिज्म क्यों होता है. ओके ओके, ये वी कैन सी द फर्स्ट स्टेनियस लाइगेचर, फिर जब सेकेंड स्टेनियस लाइगेचर दिया तो ऐसे टाइप का इफेक्ट आ रहा है. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, सो नंबर वन हियर इज कि ये नॉर्मल कार्डियोग्राम है. उसके बाद जब आपने पहला लाइगेचर दिया था, ठीक है, हियर व्हेन यू हैव गिवन द फर्स्ट लाइगेचर साइनस वेनोसिस और एट्रिया के बीच में, तो क्या हुआ था कि जो नॉर्मल पेस मेकर है ये साइनस वेनोसिस, दिस वॉज जनरेटिंग इम्पल्सिस. आपने ये एरिया को लाइगेट कर दिया, तो जो इम्पल्स जनरेट कर रहा है वो पास नहीं हो पा रहा है एट्रिया तक. साइनस वेनोसिस से एट्रिया तक का इम्पल्स जनरेट हो रहा था वो पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है. सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि यहाँ पे इम्पल्सेस आर नॉट पासिंग, तो ये आपने लाइगेट कर दिया. सो दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी व्हाट यू कैन सी हियर इज की कंडक्टिविटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी. ये समझाना चाह रहा है कि हार्ट में कंडक्शन होता है, कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, फ्रॉम साइनस वेनोसिस टू एट्रिया, एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, इसमें कंडक्शन होता है. सो वी कैन सी द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी हियर कि यहाँ पे पहले कंडक्शन हो रहा था लेकिन एक लाइगेचर के बाद कंडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है. बट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कंडक्शन नहीं हो रहा है तो ये जैसे हार्ट रेट स्लो डाउन है और यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, व्हाई वी आर नोटिसिंग दिस. तो इसका आंसर यही चीज़ है कि एट्रिया में एट्रिया खुद के रिदम जनरेट्स कर रहा है.
ओके, एटीआर में खुद के भी रिदम जनरेट हो रहे हैं, फाइन ओके. क्योंकि एज कम्पेयर टू दिस वन यू कैन सी कि इसका हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम है और यहाँ पे रिदम भी जनरेट हो रहे हैं लेकिन खुद के हो रहे हैं. अब आपने क्या किया कि इसको तो आपने टाई अप किया था, नाउ यू विल बी टाइंग अप द एटी एंड वेंटिकल्स. ओके, आपने अब एटी और वेंटिकल को भी टाई अप कर दिया यहाँ पे उसके बीच में. ओके, सो द ओनली रिमेनिंग पार्ट इज द वेंट्रिकल. अब देखते हैं वेंट्रिकल खुद का रिदम जनरेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है. तो जब आपने सेकेंड लाइगेचर दिया, वेन यू हैव टाइड अप दिस सेकेंड लाइगेचर, जब उसको बांधा, तो बहुत देर तक हार्ट जो था वो स्लोड डाउन था. मतलब स्लो डाउन नहीं, मतलब स्टॉप था. ठीक है, क्यों? क्योंकि कंडक्शन नहीं हो पा रहा है. साइनस वेनोसिस से एटिया के बीच में कंडक्शन को रोक दिया, एटिया से वेंटिकल के बीच में कंडक्शन को रोक दिया. तो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी कैन बी सीन, बट अब लाइगेचर डाल दिया तो नहीं मिल रहा है. ठीक है, सो नाउ व्हाट द वेंटिकल्स विल बी डूइंग, वेंटिकल्स विल बी जनरेटिंग देयर ओन रिदम. उसको बोलते हैं इडियो वेंटिकुलर रिदम. ठीक है, सो इधर आप देख सकते हो बहुत देर तक हार्ट एकदम साइलेंट था, उसके बाद एक रिदम जनरेट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्शन आया. वो हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज मच मोर स्मॉलर. ठीक है, लेकिन वो हार्ट वेंटिकल्स आर ऑल्सो एबल टू कैप लाइक जनरेट देयर ओन रिदम, दैट इज योर इडियो वेंटिकुलर रिदम. ठीक है, तो बहुत स्लो सा ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आया, दिस इज द इडियो वेंटिकुलर रिदम. फाइन, सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द इडियो वेंटिकुलर रिदम. हियर वी वॉट वी पीपल कैन स्टडी, नंबर वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी. ये चीज़ मिल रहा है कि हार्ट में कंडक्टिविटी मिलता है, नंबर वन. सेकेंड थिंग है कि अगर आपका कोई नोड या बंडल डैमेज हो जाए, सो द वेंटिकल्स आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग देयर ओन इम्पल्सेस. ठीक है, तो यहाँ पे दे आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग देयर ओन इम्पल्सेस. फाइन, दैट इज द इडियो वेंटिकुलर रिदम. तो इडियो वेंटिकुलर रिदम भी एक प्रॉपर्टी है जो मिलता है हमें. फाइन, तो दो प्रॉपर्टीज वी पीपल हैव स्टडीड, वी हैव डिराइव्ड. सो ह्यूमन हार्ट भी ऐसे ही है. ह्यूमन हार्ट में ऐसे नोड इज द पेस मेकर, एवी नोड पे ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, फिर वहाँ से पकिंजे फाइबर वैसे जाता है. तो सपोज कि अगर कहीं हार्ट ब्लॉक होता है, अगर आपका ऐसे नोड डैमेज हो गया या एवी नोड डैमेज हो गया, तो हार्ट फिर भी चलेगा. हाउ द हार्ट विल वर्क, बंडल ऑफ हिस एंड पकिंजे फाइबर्स विल ट्राई टू कॉम्पनसेट. ठीक है, समझ गया, हार्ट ब्लॉक में यही मैकेनिज्म है ना. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि दिस बेसिकली डिस्प्लेस द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी. आप हार्ट ब्लॉक जाके पढ़ना, हार्ट ब्लॉक्स में आपको सारी चीज़ मिलेगी, अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज मिलेगी. सो यू कैन कोरिलेट दिस विद द फ्रॉक्स हार्ट. ओके, हियर दे हैव एक्सप्लेन्ड द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट ब्लॉक कि एक बार अगर ऐसे नोड में कहीं डैमेज हो गया, सो ये जो ए वी नोड है, बंडल ऑफ हिस एंड पकिंजे फाइबर्स, दिस विल ओवरटेक, दिस विल कॉम्पनसेट. ठीक है, एंड द वेंटिकल्स जनरेट देयर ओन रिदम. ठीक है, वेंटिकल्स अपने ओन रिदम लाइक जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इसीलिए आप जब देखोगे हार्ट ब्लॉक में कोई कुछ कहीं धड़क रहा है, कोई कहीं रुक जा रहा है, मतलब ECG जब निकाल के देखोगे ना, यू विल फाइंड डिफरेंट पैटर्न्स मिलते हैं. एक प्रॉपर रिदम में नहीं जाता है ना. फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, मोबिट्स टाइप ए है ना, टाइप 1 टाइप 2, ये सब अगर आप देखोगे ना, तो आपको डिफरेंट वो मिलेंगे उसमें. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़.